देहरादून की शान घंटाघर भी चोरों के हाथों से बच नहीं पाया। चोर भी इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि नगर कोतवाली और धारा चौकी से कुछ ही दूरी पर स्थित घंटाघर से कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी का पता भी तब चला जब कई दिनों से घंटाघर पर लगी घड़ियां बंद होने की जानकारी नगर निगम को मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि घंटाघर के साथ ही पुलिस पिकेट भी है और दिन रात दो तीन पुलिसकर्मी यहाँ तैनात रहते हैं। तब भी चोरों ने कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। दिन के साथ ही रात के समय भी घंटाघर के आसपास काफी चहल पहल रहती। नगर आयुक्त गौरव कुमार के अनुसार उन्हें घंटाघर की सुइयां कई दिनों से बंद होने की सूचना मिली थी तो उन्होंने अधिकारियों को घड़ी चेक करने के निर्देश दिए। देहरादून नगर निगम के अधिकारियों ने जब मौके पर जाकर जांच की तो पता चला कि फव्वारे के लिए लगाई गई कीमती नोजल और घंटाघर को रोशन करने वाली लाइटों की केबल सहित अन्य कीमती सामान गायब। उन्होंने बताया कि चोरों ने तार, सामान और पैनल चोरी किया। घंटाघर की घड़ी बंद होने के साथ ही इसके सौंदर्यकरण के लिए लगाई गई लाइटें भी बंद पड़ी हुई हैं। यहाँ पर चोरी का किया यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी घंटाघर से दो बार तार और पैनल चोरी हो चुका है। घंटाघर में घड़ियों के बंद होने, तार काटे जाने, घंटाघर को क्षतिग्रस्त करने की एक शिकायत प्रार्थना पत्र में प्राप्त हुआ था। इस प्रार्थना पत्र के क्रम में एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था जिसमें पुलिस की भी टीम थी, नगर निगम की भी टीम थी। इसमें हमने FSL की टीम मंगाई थी। तीनों टीमों के द्वारा ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया गया जो अभी भी किया जा रहा है, जारी है। ये अब जो पूरा संयुक्त अन्वेषण पूरा हो जाएगा उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पहुंचा जा सकेगा। कुछ सामान अभी जांच कर रहे हैं, जो सामान जिसने लगाया था उसको बुलाया गया है, अभी जांच कर रहे हैं तो अभी आधे घंटे के अंदर स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी।